भगवाने नमः। सतगुरुदेवताय नमः। शिव महापुराण ग्रंथाय नमः। मात्र पितृ चरण कमले भ्यो नमः। श्री गंगा मैया चरणाय नमः। शिव गंगा महा अभिषेक उत्सवाय नमः। सप्त ऋषि गंगा द्वाराय नमः। हरिद्वार परम धामाय नमः। सर्व मंदिर स्थितम देव तीर्थाय नमः। यज्जाग्रतो दूरं दैति दैवं तदसुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादि तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सब लोग प्रणाम करें भगवान भोलेनाथ को। भैया ऊपर थोड़ी आवाज बढ़ाइए। सबके सच्चे पिता तुम्ही हो, प्रभु तुम ही जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता। चींटी से लेकर हाथी तक सबके पालनहारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। राधे श्याम राधे श्याम
श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम 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 महादेव हर हर 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 महादेव परम कल्याणकर्ता भगवान भोलेनाथ भगवान शिव गंगा माता इस पावन नगरी में बसे हुए सभी महातीर्थ भारत माता मंदिर समन्वय कुटीर के सभागृह में आयोजित शिव महापुराण के सभी श्रोता भक्त पोथी के यजमान आज जिनके माध्यम से गंगा मैया में पंचामृत दुग्ध अभिषेक हुआ ऐसे सभी शिव गंगा अभिषेक के आयोजक यजमान जो किसी भी तरह के दान से हमारी संकल्पों का हमारी सेवाओं का सहयोग करके उन सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं आज जिन्होंने दान किया बड़ी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी डायबिटिक हॉस्पिटल बने उसके लिए आज भूमि दान हेतु सहयोग प्राप्त हुआ सैनी परिवार से ऐसे ही और भी अनेक दान यहाँ उपस्थित होते हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस दिव्य आयोजन के मुख्य आयोजक श्री मुन्नी देवी जी उनके पुत्र श्री चेतन रोस्तगी और इस कथा के सभी सहयोगी यजमान सबका बहुत बहुत धन्यवाद आभार और तृतीय दिन के इस पावन वेला में सबको प्रणाम जय जय श्री राधे सतगुरुदेव भगवान की जय शिव महापुराण की जय गंगा मैया की जय श्री दुग्ध अभिषेक की जय हरिद्वार धाम की जय हो सब दानी दाताओं की जय हो सब भक्त श्रोताओं की जय हो पोथी वाचनारे ब्राह्मणों की जय हो यजमानों की जय सह यजमानों की जय मुख्य यजमान की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय
आज आवाज थोड़ी फिक रही है, थोड़ा शांत कर दे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आज आपसे कुछ पूछना है वो बताइए। सुबह 6:30 बजे 7 बजे हम लोग गंगा की मुख्य धारा में होते हैं दर्शन करने के लिए। परमार्थ आश्रम के घाट पर जाते हैं। जब पंचामृत का अभिषेक होता है उस समय वहां जो लोग खड़े रहते हैं या जो करते हैं उनको कैसा प्रतीत होता है, अंदर से उनको कैसा लगता है, कितना अच्छा लगता है। आपको ये कहना है कि बहुत अच्छा लगता है। क्या कहना है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा ये मैंने बोला, आप पीछे से नारा जैसा मत लगाओ, आप अपने दिल की भावना बताओ। आज 3 यजमानों ने किया, आगरा के यजमान मंजू शर्मा का मैंने और बाकी 2 यजमान उपस्थित थे, उन्होंने अपना अपना किया। जितने यजमान हैं सबके लिए अलग अलग टंकियां दूध से भर के आती हैं। आचार्य के माध्यम से विधि पूर्वक अभिषेक होता है। मुझे इस अभिषेक को करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जिन जिन लोगों का ये अभिषेक हो जाएगा उनकी मृत्यु के बाद अगर उनके परिवार के लोग, उनके बालक, उनके पुत्र पुत्रियां अगर जलदान नहीं भी करेंगे तो भी ऐसे अभिषेक के बाद हमारा कल्याण हो जाता है, हमें फिर उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे तो मरने के बाद जो होता है वो लकीर का फकीर है, वास्तविकता उसमें बहुत ज्यादा नहीं है। कैसे मन से शोक समाप्त हो, कष्ट समाप्त हो, उसके लिए वो सब क्रिया चलती रहती है। पूजा पाठ में, क्रिया में हमारा चित्त बट जाए और मरने वाले का जो दुख है वो कम हो जाए, उसके लिए वो सब क्रियाकर्म चलते रहते हैं। अगर हम वेदों की बात करें तो वेदों में 16 ही संस्कार हैं और वो 16 संस्कार जो भी पंडित लोग पूजा पाठ करते हैं वो जानते होंगे कि 16 ही संस्कार हैं नित्य कर्म में, पूजा पाठ में। और 16 संस्कार में से 16वां अंतिम संस्कार वही है जो चिता भूमि में होता है, शरीर को अंतिम निर्वाण कर देना, विलय कर देना सृष्टि में, भूमि में, अग्नि में, जल में, वायु में, आकाश में, ये अंतिम संस्कार है। इसके अलावा जो भी पूजा पाठ है वो सब मन की व्यथा को दूर करने के लिए है। अग्नि दान और जल दान का संस्कार हिंदुओं में बहुत है, प्रमुख माना जाता है। दूध से, पूत से हमेशा हरा भरा जीवन रहे, बच्चों पर आया हुआ संकट या कहो अपने घर में आया हुआ संकट समाप्त हो, उसका फल प्राप्त होता है दुग्ध अभिषेक करने से। गंगा मैया में मैं फिर भी आज कहूंगा, कल कहा था, रोज इस बात को कहूंगा, क्योंकि रोग वीडियो रोज देखते हैं टीवी पर कि दूध डाला जा रहा है, टंकी की टंकी दूध गंगा में बहाया जा रहा है।
मैंने कल कहा, आज फिर कहता हूं, आज कुछ लोग नए जुड़ेंगे टीवी से, पहली बार कथा सुनेंगे, पहली बार वीडियो देखेंगे कि दूध डाला जा रहा है गंगा में, दूध बहा जा रहा है इतना सारा दूध। तो मैं फिर आज वही बात कहना चाहूंगा, आप 200-300 लीटर दूध से 200-400 लोगों को ही थोड़ी देर के लिए भूख से तृप्त कर सकते हो, पर हमेशा के लिए नहीं। गंगा में बहने वाला दूध करोड़ों करोड़ों जीवों को प्राण देगा, जीवन दान देगा। इसीलिए इसे अंधविश्वास न समझकर एक तरह से इसको साइंस और विज्ञान से भी प्रूफ किया जा सकता है। नदी में सिक्का फेंकना, नदी में दूध डालना, नदी में हल्दी डालना, नदी में चूना डालना, ये सब नदी की अपवित्रता को शुद्ध करने के लिए होता है। सिक्का क्यों फेंकते हैं नदी में? लक्ष्मी नदी पैसे थोड़ी लेती है, उसको सिक्कों की जरूरत नहीं है। पर अभी हम परंपरा में सिक्के फेंकते हैं लोहे के, ये नहीं फेंकने चाहिए। जिस समय तांबे के सिक्के चलते थे, उस समय नदी में तांबे का सिक्का डालने का प्रावधान था। नदी में तांबा डालने से नदी का जल पवित्र होता, चार्ज होता, शुद्ध होता, और फिर पानी पीने से आदमी को ऊर्जा मिलती। तो पहले तांबे के सिक्के डलते थे, उससे पहले चांदी के डलते थे, उससे पहले सोने के डलते थे नदी की शुद्धि के लिए। अब परंपरा में डलते हैं लोहे के सिक्के। परंपराओं का भी निर्वाह होना चाहिए, पर लोहे के सिक्के से पानी को लाभ नहीं मिलता है, जल को लाभ नहीं मिलता है, तांबे के सिक्के से लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जो भी पूजा पाठ में दक्षिणा वगैरह आप अर्पण करो, वो थाली में रखो जो पूजा करने वाले पुजारी को, ब्राह्मण को प्राप्त हो जाए। नदी में सिक्का आदि लोहे का ना फेंकें, तांबे का हो, सोने का हो, चांदी का हो तो फेंकिए, लंबे समय तक पानी को शुद्धि प्राप्त होती है। गंगा परम पवित्र है, परम पुनीत है, पर गंगा में आया हुआ जो मैल है, कचरा है, खेतों का, खलियानों का, गिरारों का, गैलों का, गटर कटर का, सब बारिश का पानी है, तो उसके शुद्धि के लिए ये सब चीजें होती है, और दूध भी उसी में भूमिका निभाता है। तो हम हरिद्वार की पावन धरती पर आए हैं, जिस गंगा में हम लोग डुबक लगाकर उसे मैला कर रहे हैं, तो कुछ लोग उसे शुद्ध करने का भी प्रयास करें, तब हम लोग गंगा मैया को सम्मान दे पाएंगे, पवित्र रख पाएंगे। केवल मैला मत करिए, नहा करके डुबक मार के बाहर आ जाओ, अपना पसीना बदबू सब पानी में, नदी में, गंगा में छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। हर एक नहाने वाले व्यक्ति को गंगा मैया में अर्घ चढ़ाना, एक लोटा तो जरूर चढ़ाना चाहिए, फिर डुबक लगाओ, स्नान करो। क्योंकि कल्पना करो, एक आदमी अपने घर के बाथरूम में नहाए, और कहां नहाए, बड़ी सी परात लेकर उसमें बैठ के नहाए, शुद्ध पानी से नहाए, और फिर परात के पानी को नहाकर देखे, तब पता चलेगा कि एक आदमी पानी को कितना गंदा कर देता है। लाखों नहा रहे गंगा मैया में, तो क्या हो रहा गंगा मैया का? चलिए सब दुनिया नहाए, गंगा मैया को मैला करे, करने दो, पर आप सब लोग मिलकर ऐसे रोज जितनी सामर्थ्य हो उतना अभिषेक करते रहो, गंगा मैया का सहयोग करते रहो, और उसको पुनीत करते रहो, पावन करते रहो, पवित्र करते रहो। दुग्ध की धारा बहाओ, क्योंकि दुग्ध जाएगा गंगा में, गंगा सागर में जाकर मिलेगी, और वहीं भगवान विष्णु का सागर है, क्षीर सागर, ये दूध वहां पहुंच जाएगा विष्णु के लोक में, क्षीर सागर में, वहां तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा।
स्थान प्राप्त होगा। क्षीर सागर में स्थान प्राप्त किसको हुआ? भागवत में राजा बलि को हुआ, राजा बलि को। स्थान प्राप्त हुआ। ये मॉनिटर को जरा इधर सरका दे तो आवाज आएगी। ये जरा आवाज रुक गई है एसी की वजह से। क्षीर सागर में राजा बलि और उनकी पत्नी को, परिवार को रहने को दिया विष्णु भगवान ने। क्यों? क्योंकि राजा बलि ने तन मन धन अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। उस समय वो भगवान के रूप में नहीं, एक ब्राह्मण गुरु के रूप में आए थे भगवान श्री। क्षीर सागर दिया और स्वयं उस लोक के चौकीदार बने। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मुझे आपको भी भगवान का वो लोक प्राप्त हो जाए जिसमें अमृत भरा हुआ है, जो जहां स्वयं भगवान विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। जहां भगवान को विशेष आराम मिलता है वहां हमें भी आराम मिलेगा। सोचकर अपन दही दूध शहद अमृत जो भी है परमात्मा को भेंट कर रहे हैं, गंगा मैया को अर्पण कर रहे हैं, उसका परम अभिषेक कर रहे हैं। इसके ऊपर किसी का सवाल हो तो मुझसे पूछ लिया जाए, मैं इसका भलाई भांति उत्तर दूंगा, समझाने का प्रयत्न करूंगा। क्योंकि सबसे ज्यादा अंधविश्वास के खिलाफ मेरा ही व्याख्यान होता है। कोई कहेगा कि महात्मा अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं और खुद दूध को पानी में बहा रहे हैं। नहीं, अंधविश्वास के खिलाफ बोलते हैं पर साइंस के खिलाफ नहीं बोलते हैं। दूध गंगा में बहाने का मतलब है हम साइंस को बढ़ावा दे रहे हैं। और गंगा कहती है कि दूध से मेरी पावनता और बढ़ेगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पावन करूँगी, पवित्र करूँगी, उन्हें निर्मल स्वच्छ करूँगी, उनके रोग धोग यादि व्याधियों से उन्हें मुक्त करूँगी। तो मुझे भी चाहिए कि कोई मुझे पावन करे। माँ बच्चे को धोती है, बाद में खुद को भी धोती है। बच्चे को नहला के धुला के मलमूत्र धो के खुद के भी हाथ साफ करती है। तो हमारी गंगा मैया के हाथ साफ करने का सौभाग्य हमारे भक्तों को प्राप्त हो रहा है, साथ में मुझे भी प्राप्त हो रहा है। ये भी कम भाग्य नहीं है, किसी महापुरुष के हाथ धुलवाना, पैर धुलवाना, ये बहुत बड़ा भाग्य है। ये भाग्य किसी किसी को मिलता रहता है। दूसरा, हाथ और पैर धुलवाने से भी बड़ा भाग्य किसी किसी का होता है, किसी महापुरुष की पीठ धोने का पुण्य प्राप्त हो जाए तो ये बड़ा महापुण्य है। किसी की पीठ रगड़ने का भाग्य किसी किसी को मिलता होगा। कोई दुर्लभ भगत होंगे, कोई दुर्लभ शिष्य होंगे, कोई होंगे जिनको ये भाग्य प्राप्त हो गया होगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, जीवन में कभी मौका मिले तो भगवान अपने गुरुदेव का पीठ का सफन करो, रगड़न करो, और अपनी सास का, ससुर का, माता पिता, दादी दादा, जिनकी पीठ रगड़ने का अवसर प्राप्त हो जाए तो बहुत भारी पुण्य प्राप्त होता है पीठ धोने का। क्योंकि मनुष्य के शरीर में एक ही स्थान ऐसा है जहां वो पूरी तरह नहा नहीं सकता अपने हाथों से। जहां हमारा हाथ काम न करे वहां कोई और का हाथ लग जाए तो विशेष सुख और विशेष पुण्य प्राप्त होता है। सेवाएं हैं ये, और इन सेवाओं को जब भी मिले तो छोड़ो मत, मौका पूरा धारण कर लो। 10-5 साल पहले तो मौका लोगों को मिल जाता था, हमारे भी कभी कभी लोग पीठ रगड़ देते थे, पर हमने थोड़ी ये सेवा रोक दी। हम महत्व तो बता रहे पर सेवा दे नहीं रहे। सेवा तो हम देना चाहते हैं पर लोगों का सोचना अच्छा नहीं बचा।
लोगों का विचार अच्छा नहीं, चिंतन अच्छा नहीं। सेवा तो हम बहुत कुछ देता है और चाहते हैं, पर लोग अच्छा नहीं सोचते। सेवा करते हैं, सेवा लेते हैं और फिर उसको ऐसे बखानते हैं जैसे कि मानो सेवा नहीं, उन्होंने पता नहीं कितना काम क्या कर दिया। और हर सेवा का अर्थ सारी दुनिया अच्छा नहीं निकालती है। इसीलिए कुछ सेवाएं संसार में ऐसी हैं जो गूढ़ हैं, जिनको हमेशा गूढ़ रखना चाहिए, कभी सेवा बतानी नहीं चाहिए। जो सेवा हमें प्राप्त हो गई है गुप्त रूप से, जिस सेवा की महिमा शास्त्रों में लिखी है, वह सेवा गुप्त रखो, उसी खुशी में मत बताओ, प्रशंसा में मत बताओ। वो सेवा सेवा नहीं रह जाती, फिर वो बहुत बड़ा आडंबर बन जाती है और बाद में साधु के लिए वो दुखदाई हो जाती है, साधु के गले की फांसी बन जाती है, साधु को नुकसान पहुंचता उससे। इसीलिए इन्हीं बीमारियों से, इन्हीं भक्तों की इन्हीं बुराइयों से साधु महात्मा पैर तक नहीं छुपाते। बहुत सारे साधु दूर से रखते, पास में नहीं आते, मिलते नहीं है, बोलते नहीं है चेलों से, दूर से। गुरु ऐसे नहीं है, गुरु मिलना चाहते, चेला से बात करना चाहते हैं, पर टक्कर लग लग के वो इतने परेशान हो जाते हैं इन भक्तों से, अपनों से, प्यार वालों से। चार बात सेवा की, सेवा की एक और बताएंगे चार, फिर दूसरे भक्त को भी वो सेवा चाहिए, फिर वो भी सेवा कर ले, फिर वो आठ बताएगा, एक और भक्त को चाहिए वो बारह बताएगा। एक एक सेवा करके बारह बारह बताएंगे तो बात बड़ी हो जाती है। उनमें से ग्यारह तो झूठ है और जो झूठ है वो तकलीफ डालती है महात्मा को। इसीलिए बिना विचारे सो करे सो पाछे पछता। इसीलिए प्रेम वश भी सेवा जो दी जाती है उसके भी रिजल्ट बाद में ठीक नहीं आते। इसीलिए अब महात्मा जो नहीं मिलते भक्तों से, सेवा वगैरह नहीं देते, वही अच्छा है। पर फिर सेवा की महिमा बता के फायदा क्या कथा में, फिर सेवा की इतनी सारी बातें बता के फायदा क्या कथा में, फिर सेवा क्या करना। एक भक्त ऐसे होते हैं जो सेवा करते हैं, जो सिर्फ अपना सौभाग्य मानते हैं, उस सौभाग्य को वो दुनिया में बांटना नहीं चाहते, मौन कर लेते हैं। वो भक्तों को हमेशा सुख मिलता है, कल्याण मिलता है और वो अनंत सेवाएं हमेशा ही अनंत काल तक उनको प्राप्त होती रहती हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सेवा उन्हें प्राप्त हो गई, जो प्रेम प्राप्त हो गया, जो सुख प्राप्त हो गया, उस सुख के लिए वो हमेशा ऐसा सोचते हैं, बस ये तो मेरा है, इस पे अब किसी का अधिकार नहीं है, ऐसा जो सोचते हैं वो महामतलबी महास्वार्थी हैं और वो अंदर से बाहर से कहीं से भी अच्छे नहीं हैं, उनमें एक भी अच्छा ही नहीं है, वो खुद बुराई का ढेर है और अच्छाई दिखाते फिर रहे हैं। अच्छाई दिखाने से काम नहीं चलेगा बंधुओं। आप कभी भी कोशिश करना, कभी देखना कई चीजों को। आपके घर में जो दरवाजा लगता है प्लाई का, प्लाई बोर्ड का, आप कभी प्लाई बोर्ड को फाड़ के देखो, उसके अंदर दुनिया भर का कचड़ा कचड़ा निकलता है। और बाहर से आप जब प्लाई को देखते हैं बाहर से, तो वो एकदम ब्यूटी दिखती है, एकदम चकाचक दिखती है, इतनी सुंदर सुंदर डिजाइन कि देखते ही मन उब जाए, मन आ जाए लेने के लिए, खरीदने के लिए, पाने के लिए। और उसके अंदर क्या है, कचरा भरा है, टुकड़े भरे हैं, खदड़ा भरा है, न जाने क्या क्या प्रेस किया हुआ है। ऐसा संसार में भगत भी है, बाहर से खूब खूबसूरत दिखता है, अंदर से कचड़े का ढेर बना बैठा है और खुद को अच्छा मानकर
दूसरे को बुरा सिद्ध करना चाहता है। ना बंधु ऐसा मत करो, आपने जो पाया है प्रेम, आपने जो सुख पाया है, आपने जो भी सेवा पाई है, वो आपके पिछले जन्मों का कोई संस्कार और पुण्य है, उसे पा करके अपने अंदर खुशी मनाओ, गदगद रहो और परमात्मा का गुरुदेव का धन्यवाद करो कि आपको ये सेवा प्राप्त हुई है। गंगा मैया वही तो कह रही है, देखो आप अभिषेक कर रहे थे जब आपने देखा, मैंने कहा ना गंगा पवित्र तो है पर कचरा बहुत आ रहा है, जहां हम अभिषेक कर रहे वहीं दुनिया भर का कचरा, दुनिया भर की कूड़ा करकट चप्पल जूते जन क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, तो क्या करेंगे? ये जो रास्ती है, जो मार्गी अपवित्रता है, जो कचरा है, इसके सहयोग में दुनिया कचरा फेंक रही है तो हम उसमें कुछ अच्छा डालें। दुनिया बुराई करे, आलोचना करे, आप प्रशंसा करो। चीज को बना के रखना है तो ये जरूरी है। गंगा में कोई कचरा डाल रहा है तो तुम गंगा को पवित्र करो, उसकी स्तुति करो, उसको साफ करो, उसमें दूध डालो, उसमें सोना डालो, उसमें केसर डालो, उसमें पवित्रता ही पवित्रता डालो। आपको जो अच्छा लगे वो पवित्र करो। अधम से भी अधम को तारा, उसमें ही है नाम हमारा। चाहे बाहर समझ के रख लो, मुझे अपना दास बना लो। लाला जरा इसको निकालना। जिस भजन में अपने चरणों में लगाए रखना, भोले अपना दास बनाए रखना। सद्गुरु भगवान, ये पावन गंगा, पावन धाम, यहाँ शिव और श्री हरि दोनों का मिलन हुआ है, ये ऐसा धाम है। और ये ऐसा धाम है, यहाँ स्वयं सप्तऋषि ने साधना की है। ये ऐसा धाम है जहां पांचों पांडवों ने द्रौपदी सहित यहां आकर के गंगा पूजन किया है। हम लोग भी उसी धाम में आकर के भगवान भोलेनाथ की शरणागति स्वीकृति ले रहे हैं। और हम भगवान शिव जी से, माँ गंगा से ये कह रहे हैं, हे गंगा मैया, जब आप अधम से अधम को तारती हो तो हमारा भी उसी में नाम समझो। हम भी अधम हैं, आपकी शरण आए हैं, हमसे भी हजारों पाप हुए हैं, हमको भी तारो, हमें भी सवारो, हमारा भी कल्याण करो। यह आवश्यक है, क्योंकि पूजा पाठ जो है वो अलग विधि है, प्रार्थना विधि नहीं है, प्रार्थना हमारी भक्ति है। तो जब भी पूजा पाठ हो जाए, पंडित जी अपना काम खत्म कर दें, उसके बाद एकाध मिनट यजमान को स्वयं भी चुपचाप बैठ के प्रार्थना करनी, थोड़ी प्रार्थना करनी चाहिए देवता से। प्रार्थना सुनी जाती है, प्रार्थना अदैय है, उसका भगवान निस्तारण अवश्य करते हैं प्रार्थना का।
इसलिए प्रार्थना जरूर करो भगवान शिव जी माता पार्वती को विवाह करके ले आए। तो पार्वती भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही हैं कि अब हमें कथा सुनाओ, अब हमें कथा सुनाओ। तो भगवान शिव जी ने प्रार्थना स्वीकार की और माता पार्वती को अब कथा सुना रहे परमेश्वर, अपनी कथा सुना रहे हैं, अपने जीवन चरित्र बता रहे हैं और अपनी महिमा, अपनी लीला, भक्तों के प्रति शिव जी का क्या भाव है वो माता पार्वती को बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात माता पार्वती को क्या बताई शिव जी ने कि हरि भजन ही सबसे जीवन में महत्वपूर्ण है, बिन हरि भजन जगत सब सपना, कहूं उमा में अनुभव अपना अपना। भगवान के भजन के बगैर सारा संसार सपने के समान है। अरे पार्वती, ये सारा जगत ही सपने के समान है। रात्रि में सपना जब आता है तो आंखें बंद हो जाती है, आंख खुलती है सपना खत्म हो जाता है। दिन में आंख खुलती है सपना खत्म हो जाता है। नहीं, आप दिन में सपना देखो, आंखें खोल कर देखो, रात में सपना देखो आंखें बंद करके देखो, दोनों स्थितियों में संसार केवल सपना है, उसमें हकीकत कुछ नहीं है। इसीलिए प्रयत्न हमें क्या करना है, प्रयत्न हमें यह करना है कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे परमात्मा। और प्रार्थना स्वीकार कब होती है, जब हम ये कहें कि मुझे अपना दास चरणों का बना लो, मुझे दास ही रहने दो। क्योंकि जो दास रहता है वो कभी उदास नहीं होता है, और जो दास नहीं बन पाता है वो समय समय पर उदास होता रहता है, उसका अपहास होता रहता है, उसका अटहास होता रहता है। इसलिए दास बनने में ये सौभाग्य मिलता है कि उसे उदास होने का चांस नहीं मिलता। क्यों? दासों के दास, परम दास, भगवान के चरणों का दास बन जाए तो परमात्मा हमें स्वीकार करते हैं, गति प्रदान करते हैं, हमें अपना मानते हैं। अधम से अधम को आपने तारा भगवान, उसमें ही मेरा नंबर लो, उसमें ही मुझे समझो, मेरा भी नाम उसमें ही लो, मुझे अलग मत मानो परमात्मा, मैं भी वही हूं। और उसी भाव को रख करके इस पंक्ति को गुनगुनाओ मेरे साथ में, जिसके हृदय में भोले बंद है, जिसके हृदय में भोले बंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में भोले बंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। वैसे में गीत तो दूसरा गाने वाला था पर वो बिगड़ गया मामला। ना तो वो संगीत में जमा, ना मुझ पे जमा, तो फिर मैंने थोड़ा बातें घुमा घुमू के बिगड़ने नहीं दिया कार्यक्रम को, दूसरा भेज दिया भगवान ने पंक्ति, उसको गाओ। मेरे हृदय में भोले बंद है, उसे हरदम आनंद ही। जिसके हृदय में भोले बंद है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। उसके हृदय में भोले बंद है, जिसके हृदय में भोले बंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। हाँ, जिसके भोले
हृदय में भोले बंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में भोले बंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। संसार से वो किनारा, करते संसार से वो किनारा, जो भोले का लेते सहारा, जो भोले का लेते सहारा, करते संसार से वो किनारा, करते संसार से वो किनारा। जिन्हें भोले बाबा को पसंद है, जिन्हें शंकर बाबा को पसंद है, वो तो हरदम आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में भोले बंद है, उनके हृदय आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में भोले बंद है, उनके घर में आनंद ही आनंद है। पार्वती पतये हर हर महादेव।